अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। मैं सिकंदरपुर में मौजूद हूं। यहां मुहर्रम का पांचवा दिन है और अभी अभी जो है आपके सामने से जुलूस गुजरा है, जिसका नज़ारा आपको हम दिखाएंगे। इस समय मैं दरगाह शाह वली कादरी के दरबार में जो है मौजूद हूं और यहां पे उनके फर्जंद मौजूद हैं। आइए उनसे जी पूछ लेते हैं कि क्या जो है आज का जो है ये प्रोग्राम रहा है, किस तरह का जुलूस निकाला गया है। सर, अपना तारुफ कराते हुए बताएं। जी, मैं दरगाह शाह वली सिकंदरपुर के मुतवल्ली डॉक्टर सैयद सिराजुद्दीन अजमली का और सैयद मिराजुद्दीन अजमली का मैं छोटा भाई हूँ। मुझे जाफ़र हसन अजमली कहते हैं। और कुछ तगाने खंजरे तस्लीम रा हर जमाज गैब जाने दीगरस्त, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेजे की नोक पर, लेकिन तू फासिकों की इताअत न कर कबूल। हजरत, उसी मैसेज को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मैसेज को पूरा आलम इस्लाम मुहर्रम में अब उनके पैगाम को बुलंद करने के लिए पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक जुलूस निकालता है, मजालिस करता है, अपने इमाम बारगाह पर ताजियों को सजाता है। और आज के दिन सिकंदरपुर 5 मुहर्रम, ये 5 मुहर्रम का दिन का जुलूस मेरे वालिद सैयद जमालुद्दीन अजमली मरहूम ने कायम किया था। सवेरे हजरत मखदूम चंदनबंदी छोड़ के आस्ताने से ये जुलूस निकलता है और कस्बे की मुख्तलिफ गलियों में होता हुआ फिर हजरत हाशिम चाहर्ज़र रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पर पहुंचता है और वहां पहुंच के फिर ये जुलूस जलसे की शक्ल इख्तियार करता है और वहां पे फिर तिलावत कुरान हकीम होता है और उसके बाद लोग सलात व बयान होता है आधे घंटे 15-20 मिनट का और उसके बाद जो सलात व सलाम होता है और फिर अवामुन नास के लिए हजरत सैयद मिनहाजुद्दीन अजमली साहब मुतवल्ली दरगाह शाह वली कादरी दुआ करते हैं। और उसके बाद रात में इसी प्रोग्राम की एक शक्ल रात में बाद नमाज ऐशा जिक्र सैयदुश्शोहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुनक्किद होता है जलसा, जो जलसा होता है और जलसे में भी बयानात होते हैं मुख्तलिफ उलमा बाहर से या बैरूनी और गैर यहाँ के रहने वाले लोग भी वहाँ शिरकत करते हैं और अपने मनकबतें पढ़ते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 रुफका को खिराज अकीदत पेश करते हैं। तो आज का दिन हम सैयदुश्शोहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पूरे कस्बे को हजरत मखदूम चंदनबंदी छोड़ रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने बुलाते हैं और यहीं से तिलावत कुरान हकीम शुरू होता है और उसके बाद हम तिलावत कुरान हकीम के बाद अपने जुलूस को लेके आगे बढ़ते हैं और कस्बे की मुख्तलिफ गलियों से होते हुए फिर हाशिम चाहर्ज़ब रहमतुल्लाह अलैह के मदार पे उसका इख्तिताम पज़ीर होता है। तो मुहर्रम का महीना है और जुलूस जो है आज निकाला जा रहा है हजरत मखदूम चंदनबंदी छोड़ रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पर यह जुलूस जो है समाप्त होगा। आइए जुलूस का जो है आपको एक नज़ारा दिखाते हैं और क्यों न हो जो है हमारे हुजूर सरकार द्वारा नूर मुस्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात जिंदगी में फरमा दिया था कि हुसैन मिन्नी अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। तो उसी की याद को ताजा जो है आज सिकंदरपुर के लोग कर रहे हैं और आपको जो जुलूस का एक बार जो है नजारा कीजिए और जो है ज्यारत कीजिए। भारत मीडिया के लिए आसिफ खान गौहर खान के साथ सफीर अहमद रिपोर्ट, आप देखते रहे भारत मीडिया। Thank you.
अगर हसन तो मदीना है, मदीना है मक्का, अगर हसन तो मदीना है, मदीना है। इंसानियत का यार करीना है, करीना है। यार मेरी छोटे के तो वापस हुआ कि उसने रसूल पाक पे सजदे में देखिए, सजदे रसूल पाक पे सजदे में देखिए, सजदे में देखिए उसके रसूल पाक पे। हर दिल में अबूबत बसी हुए, अबूबत बसी हुए, हर फूल गुलदस्ते नबी है घराना हुसैन का, घराना हुसैन का। अरे गुलदस्ते नबी है घराना हुसैन का, घराना हुसैन का। अचारी है हर लबों पे तराना हुसैन का, क्या है बात? एक मिनट अभी तक ले लीजिए, उसके बाद वही वही माइक निकालो, माइक निकालो, माइक निकाल दो। माइक रहो के लिए।